Assalamu alaikum and good morning viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. Viewers, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर, बल्कि इनफैक्ट मीरपुर के मजाफात में ये टाउन है चितरपड़ी का। तो यहाँ पे मैं रात को ठहरा था और आपने देखा लास्ट वीलॉग में कि मैं यहीं बाहर एक टक शॉप पे रुका था, तो उसके बाद फिर यहाँ अंदर आ गया। तो व्यूअर्स, आज मुख्तलिफ मीरपुर की जगह एक्सप्लोर करनी है, तो अभी निकलते हैं मंगला डैम की तरफ, जो कि बहुत फेमस साइट है। तो उसको उसका रास्ता भी दिखाता हूँ यहाँ से आपको, और किस तरह की जगह है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद फिर खड़ी शरीफ और जो भी डिफरेंट जगहें आई मीरपुर शहर से भी गुजरेंगे, तो वो सब आपको दिखाता हूँ। तो वीएस, डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड एंजॉय द जर्नी विद मी। वीएस, मैं यहाँ पे रात को सोया था, आए आपको एक छोटा सा टूर देता हूँ जगह का। ये मेरी बाइक खड़ी है और एक छोटा सा गार्डन सा बनाया हुआ है डिफरेंट। इसमें ये चीकू का दरख्त है, ऑल्दो इस इलाके में चीकू लगते नहीं है क्योंकि इट्स अ लिटिल टू कोल्ड फॉर चीकू, लेकिन यहाँ लगे हुए और अच्छे खासे लगे। ये देखें, ये डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ये लेमन है और आई थिंक उधर लहसुन भी लगा है। ये भी कोई ना कोई वेजिटेबल्स है, मुझे इतनी पहचान नहीं है वेजिटेबल्स की। ये अनार का दरख्त है और वो कोई किन्नू सॉर्ट ऑफ या कोई उसी की रेस से है सामने जो लगा। आई थिंक ये अभी पके नहीं है, मारते या आई डोंट नो एग्जैक्टली। और वो अमरूद भी पीछे लगा हुआ है। ये हमारे भैंसों के इलाके हैं, ये घर के लिए है सारा, दो भैंसें और दो गाय, और ये इनका बेडरूम है और इनका खाना तैयार हो रहा है, और ये इनका स्टोरेज है, भैंसों के डाइट यहाँ पे रखी जाती है। प्योर देसी माहौल है व्यूअर्स। व्यूअर्स, निकल रहे हैं आज की छोटी सी राइड के लिए, बच्चे हमें सी ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ से अब बाहर निकलते हैं। व्यूअर्स, ये छोटा सा टाउन है लेकिन उस हिसाब से काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है घरों की यहाँ पे। मीरपुर से कोई 5 to 6 किलोमीटर पहले ये जगह आती है। इंटरनल स्ट्रीट्स ऑल्दो तंग हैं थोड़ी सी, लेकिन घरों का आर्किटेक्चर बहुत आउटस्टैंडिंग बना। व्यूज, यहाँ से हार्डली 5 to 10 मिनट लगते हैं मीरपुर के, लेकिन हमने उससे पहले आसफा भुट्टो पार्क और मंगला डैम जाना है। ये मंगला डैम की ह्यूज वॉल नज़र आनी शुरू हो गई है। व्यूज, अब ये आ गए हैं हम उस मेन रोड पे जो यहाँ से दीना बाईपास तक जाती है सेम रोड, और दूसरी साइड पे ये मीरपुर और फिर कोटली तक भी जाती है।
यस दिस इज आसफा भुट्टो पार्क और बहुत खूबसूरत पार्क ये बना हुआ है और अभी खैर वो ओपन नहीं हुआ, दरवाज़ा नहीं खुला इसका, यहाँ गार्ड्स खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा तो फिर ये ओपन होता है तो मैं अंदर जाता हूँ। और यहीं से व्यूअर्स यहाँ पार्किंग करके ऊपर डैम की भी साइड्स आपको दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये एक चौक पे, जो रोड हमारे इस तरफ जा रही है वो आगे मीरपुर की तरफ जा रही है, मीरपुर सिटी की तरफ। हम सिटी से थोड़ा सा कपल ऑफ किलोमीटर बाहर खड़े हैं। ये कोई इधर एयरफोर्स का जहाज़ भी पुराना लगा हुआ है और ये कोई पार्किंग है, घर है आई थिंक ये। व्यूअर्स पार्क में एंटर हो गए हैं, मेरे आने के बाद खुला है तो देखते हैं आगे जाके क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। बहुत खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है, इट्स अ वेरी वास्ट पार्क और मतलब काफ़ी एरिया है इनके पास और इतना ज़बरदस्त डेवलप किया हुआ है जैसे रेयरली कोई पार्क होते हैं। ऑफकोर्स मीरपुर इज़ नॉट अ स्मॉल सिटी, काफ़ी बड़ा शहर है और आज़ाद कश्मीर का सबसे ज़्यादा डेवलप किस्म का शहर है, तो उस हिसाब से पार्क्स भी काफ़ी सारे हैं इसमें। इसी तरह के बहुत अच्छी सिटिंग्स बनी हुई हैं और रेस्टोरेंट्स भी बहुत प्यारे बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत से। तो व्यूअर्स चलते हैं पार्क के अंदर, देखते हैं क्या क्या अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे। ये देखें व्यूअर्स कितने वेल मेंटेन्ड किस्म के लॉन्स हैं यहाँ पे, वंडरफुल प्लेस फॉर पिकनिक एंड एंजॉयमेंट एंड सुपर्बली मेंटेन्ड, ब्यूटीफुल। ऊपर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हैं जो कार्ड्स आपको लेके जाते हैं। ये बाहर ओपन एयर भी बना हुआ है और बहुत प्यारा है ये भी व्यू, तो बहुत मेंटेन्ड और बहुत अच्छा किस्म का पार्क बना हुआ है। ऊपर चलते हैं स्टेयर्स पे, देखते हैं आगे क्या है। व्यूअर्स वहाँ पीछे से मैं एंटर हुआ था और अब ऊपर जा रहा हूँ। A wonderful place. Oh, नीचे से मैं आया हूँ स्टेयर्स चढ़ के। Wow, what a first view of Mangala Dam. इस पार्क में से मंगला डैम का बहुत ही फैंटास्टिक व्यू आता है व्यूअर्स, बहुत प्यारी जगह है, वर्थ विजिटिंग। अभी चलेंगे उस तरफ, मंगला डैम भी देखेंगे। ये है पार्क की सीनरीज, जस्ट वंडरफुल। ये कोई पुराने ज़माने की ट्रेन की स्टाइल की इन्होंने बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत सी। और पार्क है, कैफेटेरिया भी है, उस तरफ झूले भी लगे हैं। व्यूअर्स आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या अट्रैक्शंस हैं इस पार्क में। ये कोई ठोंगा सा बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा, देखें गेट भी है इसका, बंद है लेकिन वरना अंदर बैठते हैं। और आगे चलते हैं, बहुत प्यारा पार्क है और वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक्स भी बनाए हुए हैं, बेंचेस लगाई हुई हैं जगह जगह। इस तरह के पार्क्स पाकिस्तान में बहुत रेयर हैं, बहुत ज़बरदस्त पिकनिक की जगह है। व्यूअर्स हम इसके एंड पे जाते हैं, वहाँ से देखते हैं कि हमें बराबर में डैम पे जाने का कोई रास्ता मिलता है तो वहाँ से डैम की तरफ जाएंगे। एक्सक्यूज मी, ये यहाँ से डैम की तरफ जा सकते हैं? अच्छा ऊपर चला जाए, शुक्रिया शुक्रिया। व्यूअर्स मैं कोई जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से हम इस
डैम के ऊपर जो एक रोड बनी हुई है इस पे पहुंच सकें, लेकिन ये सील्ड है यहाँ से तमाम जगहों से। तो मेरा ख्याल है हमें पहले पार्क से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर डैम की तरफ जाना पड़ेगा। तो डैम जो है वो इस वक्त यहाँ से इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ से डैम का। ये देखें मेरे बैकग्राउंड में पीछे ये सारा मंगला डैम है, और यहाँ पे हम डैम के अंदर जाने के लिए आई थिंक हमें पार्क के बाहर से, क्योंकि यहाँ पे एक बाढ़ सी लगी हुई है लोहे की, तो मेरे ख्याल है हमें बाहर रोड पे जाना पड़ेगा और उसके बाद हम डैम पे जा सकते हैं। तो व्यूअर्स चलते हैं, क्योंकि मेन जो टारगेट था हमारा वो ये डैम ही था। तो थोड़ा सा और पार्क को देख लेते हैं फिर डैम की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स ये हम टॉप पे हैं इस पार्क की, और कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है पार्क का, ये देखिए। सारे ये बच्चों के लिए अट्रैक्शंस हैं, जो झूले हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, और मीरपुर सिटी यहाँ से नज़र आ रहा है, देखें सारा ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत और प्लैंड सिटी है। और यहाँ के ज़्यादातर बिल्डिंग्स का जो आर्किटेक्चर है वो इंग्लैंड से आता है, क्योंकि इनकी बेशतर आबादी इंग्लैंड में है। घर के भी इवन आर्किटेक्चर जो मतलब वहाँ नक्शे वगैरह हैं वहीं से बन के आते हैं। और ये व्यूअर्स मंगला डैम का व्यू है, जस्ट फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, आई डोंट हैव वर्ड टू डिस्क्राइब, कितना सुकून है यहाँ पे और कितनी खूबसूरती है। व्यूअर्स वो जो जहाँ कश्ती खड़ी है उस जगह नीचे उतरेंगे, क्योंकि वो जगह बहुत खूबसूरत लग रही है देखने में। तो चलते हैं डैम की तरफ। और ये रोड है जो डैम की तरफ जाती है। स्मोकिंग ग्रिल, कोई रेस्टोरेंट भी बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त सा, एंड दैट इज द रोड। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये भी नीचे डैम। अच्छा, हम ज़रा इस सड़क पे चलते हैं ना, फिर वापस इस पे नीचे आते हैं। व्यूअर्स ये डैम की एंट्रेंस आ गई है, इससे अंदर एंटर होते हैं। इसके बीच में से गुजरना होगा, ये उतारना पड़ेगा, एक मिनट ये पकड़ना। ये व्यूअर्स हम एंटर हो गए डैम पे। ये रोड है जो इस तरह ट्रेवल करती हुई वो वहाँ फोर्ट तक जाती है, कभी बचपन में वहाँ तक जाया करते थे, लेकिन अब ये बंद है फिलहाल, इस पर जो है इजाज़त नहीं है जाने की। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर ज़रा नीचे की तरफ उतरते हैं। नीचे कश्तियाँ खड़ी हैं और बहुत प्यारी जगह लग रही है। वो देखें, इसके दूसरा जो बैंक है झील का वो डडियाल को टच करता है। डडियाल जो सिटी है वो भी बहुत खूबसूरत और मीरपुर की तरह ही है। तो इसका जो वैसे अगर हम बाय रोड जाएं तो ऑलमोस्ट डेढ़ से दो घंटे लग जाते हैं। और ये मीरपुर का व्यू आ रहा है यहाँ से। व्यूअर्स वॉक कर रहे हैं डैम की सड़क के ऊपर, और बहुत ज़बरदस्त जगह है ये, देखें मेरे पीछे दूर तक ये सड़क जा रही है। यहाँ पे लोग सुबह सुबह जॉगिंग और वॉक करते हैं, और इनफैक्ट सारा दिन टूरिस्ट आते रहते हैं। और ये पीछे डैम है सारा। थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरते हैं और आपको नीचे से व्यूज दिखाता हूँ। व्यूअर्स उतर आए ऊपर से, यहाँ से उतर के आए, और ये इतना कम नहीं है जितना हम जब नीचे उतरे तो पता लगा है। बहुत टफ है और बहुत ज़्यादा रास्ता था, देखने में कम लग रहा है। अब ये चलते हैं पानी वाली साइड पे। वाह, इधर इतनी सारी ये बतखें बैठी हुई हैं, और
क्या ग्रीन फील्ड्स हैं, जबरदस्त फैंटास्टिक व्यूज, वेयर्स वर्थ विजिटिंग प्लेस है। और पिकनिक मनाने के लिए इससे आउटस्टैंडिंग जगह और कोई नहीं हो सकती। इनफैक्ट कैंपिंग भी की जा सकती है, इतनी लश ग्रीन फील्ड्स हैं, पे आराम से कैंपिंग की जा सकती है। कैंपिंग के लिए भी बड़ी आउटस्टैंडिंग साइट है। यहाँ पे किसी ने पिकनिक वगैरह की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपना गार्बेज नहीं उठाया। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लोग अपना गार्बेज नहीं उठाते और सारे स्पॉट्स कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, इसकी खूबसूरती सारी ख़त्म हो जाती है। एक बोट सी है, बहुत प्यारी सी, इनफैक्ट ये एक पार्टी बोट टाइप की लग रही है, जिस पे लोग पार्टीज़ वगैरह करते हैं, बुक कराते हैं। यस, ये मेरे पीछे बोट नज़र आ रही है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और ये सारा पानी है, पानी की तरफ जाते हैं। दिस इज ब्यूटिफुल मंगला डैम, बहुत ज़बरदस्त इंजॉयमेंट की जगह है। एंड आई डू रिकमेंड यू पीपल टू कम हियर। और बोटिंग की फैसिलिटी भी है। तो व्यूअर्स, मैंने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे, काफ़ी टाइम स्पेंड किया और अब आगे भी ट्रेवल करना है। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं अब यहाँ से निकलूँगा मंगला डैम से और आगे मीरपुर और खड़ी शरीफ की तरफ जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाइक और शेयर भी कर दें। सो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम हियर।